ध्यानांजनशलाक <coughs> चक्षुन्मिता ये तस्म श्री गुरव नम नमो विष्णुपा कृष्ण प्रेषा भूतले श्रीमते भक्ति स्वामी ना नमस्ते सारस्वतेदे गौरवाणी प्रचारिणे शून्यवादी पाश्चात जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु निनंद श्रीअद्वत गाधर शिवासादि भक्त वृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा तो आज से हम श्री नरोत्तम दास ठाकुर के प्रार्थना जो उन्होंने लिखा है उन प्रार्थनाओं का चर्चा करेंगे आने वाले कुछ दिनों तक तो कल हम जस्ट थोड़ा इंट्रोडक्शन और श्री नरोत्तम दास ठाकुर के चरणों में प्रार्थना की थी कि उनके प्रार्थना हमें समझ आए और वे हमें शक्ति प्रदान करें कि इन प्रार्थनाओं को समझकर अपने जीवन में हम अप्लाई कर सके अमल कर सके तो आज हम एक बहुत सुंदर प्रार्थना है जो श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने लिखा है जिसे वैष्णवे विज्ञाप्ति कहा गया है वैष्णव के चरणों में प्रार्थना तो सबसे प्रथम हम वैष्णव के चरणों में प्रार्थना करते हैं कुछ भी भक्ति में आगे बढ़ना है <coughs> या वट कुछ भी शुरू करने से पहले वैष्णव की कृपा हमें प्राप्त करनी होती है <coughs> इसलिए सबसे प्रथम आज उनके चरणों में प्रार्थना जो श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने लिखा है तो ऐसे त्रेपन प्रार्थनाएं श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने लिखा है भजन के रूप में और उसको संगठित करके उन्हें प्रार्थना कहा गया है ठीक है तो हम सारे के सारे त्रेपन फिफ्टी थ्री प्रार्थनाओं के विषय में चर्चा नहीं करेंगे लेकिन कुछ मुख्य जो हमें श्रील प्रभुपाद के मार्गदर्शन मार्गदर्शन अनुसार कुछ मुख्य हम प्रार्थनाओं की चर्चा करते हैं वो ग्यारह से बारह जैसे होंगे ठीक है तो श्री नरोत्तम दास ठाकुर ये प्रार्थना बहुत ही विनम्र भाव से लिखे गए हैं श्री श्री राधा कृष्ण के चरणों के प्रति श्री श्री गौर निताय चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु अन्य वैष्णव आचार्य गुरुजन और भक्ति साधना इन विषय में उन्होंने इन प्रार्थनाओं के माध्यम से चर्चा की है तो एक बार गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के गुरु है उन्हें किसी ने पूछा गौर किशोरदास बाबा जी महाराज को किसी ने पूछा कि महाराज प्रेम भक्ति कैसे प्राप्त किया जाए तो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने उस व्यक्ति को कहा पांच आना लेके मार्केट में जाओ आना मतलब समझते हो पहले आना कहा जाता था एक आना दो आना तीन आना चार आना अठनी इस तरह से पांच आना मतलब तीस पैसे छह पैसे का एक आना होता है समझ गए ना तो चार आना मतलब पच्चीस पैसे तो इस तरह से उन्होंने कहा पांच आना लेके जाओ मार्केट में और दो किताबें खरीदो दो किताबें वो तो कौन सी कहा उन्होंने प्रेम भक्ति चंद्रिका और प्रार्थना श्री नरोत्तम दास ठाकुर के ये दो मुख्य ग्रंथ है प्रेम भक्ति चंद्रिका और प्रार्थना ये दो ग्रंथों को खरीदो और उसको ध्यान पूर्वक पढ़कर अपने जीवन में अमल करने का प्रयास करो बस इतना करने से तुम्हें प्रेम भक्ति प्राप्त होता है ये गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के वचन है आप समझ रहे से हैं? तो हम ये पहली प्रार्थना जो है इस विषय में चर्चा करते हैं यहाँ पे लिखा है यही बार करुणा करो वैष्णव गोसाय पतित पावन तोमा बिना केहनाय सब बंगाली में लिखे हुए है ये प्रार्थना no नो डाउट यही बार करुणा करो वैष्णव गोसाई वैष्णव गोसाई गोसाई का अर्थ है गोस्वामी समझ गया ना जिन्होंने इंद्रियों पर नियंत्रण किया है स्वामित्व प्राप्त किया है उन्हें गोस्वामी कहा जाता है तो बंगाली में गोसाई बोलते हैं यही बार करुणा करो वैष्णव गोसाय पतित पावन तोमा बिना केहना हे वैष्णव गोसाय कृपया मेरे ऊपर करुणा करो दया करो तुम्हारे बिना पति जीवों का पावन करने जैसा या उद्धार करने वाला और कौन है इस दुनिया में ये बहुत महत्वपूर्ण है समझ गया तो इससे पता चलता है इवन आ, क्या कहते हैं उसको माधुर्य कादम्बिनी में माधुर्य कादंबिनी में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये लिखते हैं कि भगवान भक्ति नहीं देते किसी को भी प्रदान नहीं करते भगवान भक्ति प्रदान होता है भगवान के भक्तों के माध्यम से समझ तो गए भगवान के भक्तों के माध्यम से ही भक्ति प्राप्त होता है भगवान किसी को नहीं देते भक्ति तो इसलिए यहां कहा गया है पतित पावन तोमा बिना के ना है। कौन है इन पतितों का उद्धार करने वाला भगवान भी नहीं कर सकते वो वैष्णव ही भगवत भक्ति दे सकते है भगवान नहीं दे सकते भगवान अगर किसी को भक्ति देंगे और किसी को नहीं देंगे तो पार्शिलिटी जैसा होगा इसलिए भक्ति को भगवान अपने हाथ में नहीं रखे वो किसके हाथ में सौंप दिया वैष्णव के भक्तों के हाथ में सौंप दिया तुम्हें जिसको ठीक लगता है उसे भक्ति दे दो भगवान ऐसे कहकर वैष्णव के हाथ में भक्ति सौंप देते हैं भगवान भक्ति नहीं देते हैं वैष्णव देते हैं शुद्ध भक्त देते हैं या भगवान के भक्त भक्ति को प्रदान करते हैं समझ रहे सो <coughs> <So, coughs> आगे जहार निकट गेले पाप दूरे जाए मन दयाल प्रभु केव कोथा पाए जहार निकट गेले पाप दूरे जाए जिसके निकट जाने से मतलब ऐसे वैष्णो के सिर्फ निकट जाने से सारे पाप भाग जाते हैं डर के मारे भाग जाते हैं जहार निकटे गेले जो भी व्यक्ति उन वैष्णव शुद्ध भक्तों के निकट जाता है तो उस व्यक्ति के पाप भाग के चले जाते हैं दूर जाए हे दयाल प्रभु के बा कोथा पाए ऐसा दयालु वैष्णव कहाँ प्राप्त होगा तो हम कितने भाग्यशाली होंगे कि हम पर वैष्णव की कृपा हुई है जिसके कारण हम हमें भगवान की भक्ति प्राप्त हुई है समझ ना हम्म ऐसा कहा जाता है स्कंद पुराण में गुरवो बहव संति शिष्य वितापारक संति शिष्य वित्तापह हारक, वित्ताप हारक। सदगुरु दुर्लभम देवी शिष्य संताप हारक हारक का अर्थ है चोरी करना समझ गए ना तो इस दुनिया में बहुत सारे तुम्हें गुरु मिलेंगे जो शिष्यों के धन को चुराते हैं शिष्यों के धन को चुराते हैं सदगुरु दुर्लभ हम देवी शिवजी पार्वती को कह रहे सदगुरु दुर्लभ हम देवी सदगुरु प्राप्त होना बहुत दुर्लभ है और वो क्या चुराते हैं संताप शिष्य संताप हारक शिष्यों के पापों को चुरा लेते हैं अब समझ गए शिष्यों के पापों को चुरा लेते हैं संताप उनके दुखों को चुरा लेते हैं सदगुरु दुर्लभम देवी ये स्वयं शिव जी कह रहे हैं पार्वती को कि देखो उनके निकट जाने से किस तरह से पाप भाग के चले जाते हैं पापे हाँ पाप दूरे जाए तो इस तरह से कहा गया तो गंगार परश हो पश्चात पावन दर्शन पवित्र करो ये गुण श्रील विश्व सॉरी श्रील नरोत्तम दास ठाकुर लिखते हैं गंगार परश हो पश्चात पावन गंगा में कई बार स्नान करने से या करने के पश्चात व्यक्ति पवित्र हो जाता है या शुद्ध हो जाता है लेकिन दर्शन पवित्र करो यही तुम्हारा गुण वैष्णव का ये बहुत बड़ा गुण है सिर्फ दर्शन करने मात्र से अः गंगा में बार बार स्नान करने से व्यक्ति पवित्र हो जाता है पति जीवात्मा पावन बन जाता है लेकिन यही पति जीवात्मा सिर्फ वैष्णव के दर्शन करने से पावन हो जाता है शुद्ध हो जाता है समझ गए ना इसका श्री चैतन्य चरितमृत में श्री चैतन्य महाप्रभु भी अपने गुरु के चरणों में इसी तरह से विनंती करते हैं यथा साधु तथा तीर्थ समझ गया ना जहां पे साधु है ये चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं जहां पे साधु है वहां पे तीर्थ है गंगा है अनेक प्रकार के तीर्थ नदियां है समझ गए ना तीर्थ स्थली है यहाँ तक कि यमुना भी है ऐसे शुद्ध भक्तों के या वैष्णो के चरणों की बात हो रही है समझ गए ना यथा साधु तथा तीर्थ स्थिर करी निज चित्त चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं आगे क्या कहते हैं तीर्थेर ओ परम तुम मंगल प्रदान तुम अनेक तीर्थों को लेकर चलते हो और जिसके भी घर जाते हो मंगल प्रदान उनका घर मंगलमय बन जाता है जिसको भी स्पर्श करते हो वो व्यक्ति मंगलमय बन जाता है उसका उद्धार हो जाता है समझ ना? इस तरह से श्रील नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं ये बहुत बड़ी बात है ये साधारण बात नहीं है समझ गया ना तो गंगार परश हो पश्च पश्चात पावन बार बार स्नान करने से गंगा में तब जाके व्यक्ति पावन हो जाता है पवित्र हो जाता है शुद्ध हो जाता है लेकिन वैष्णव के दर्शन मात्र से एक बार दर्शन मात्र से इसका हृदय पवित्र सारे पाप नष्ट हो जाते हैं हृदय पवित्र होने लगता है तो हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम स्थान स्थाने अपराधे ना ही परित्राण यहाँ पे हम सभी को एक आ, क्या कहा जा रहा है एक, एक एक आदेश दिया जा रहा है एक उपदेश दिया जा रहा है क्या कह रहे हैं श्री नरोत्तम दास ठाकुर हरिस्थाने अपराधे तारे हरिनाम भगवान के श्री चरणों में अपराध करने से भगवान के नाम के माध्यम से उस अपराध से मुक्त हो सकता है व्यक्ति लेकिन तोमास स्थाने अपराधे नाही परित्राण अगर हे वैष्णव आपके चरणों में अगर कोई अपराध करेगा तो उसका उद्धार करने वाला कोई नहीं है इस दुनिया में भगवान भी नहीं कर सकते ये हमें मैं सोच रहा था कि जब भी हम जॉब करने के लिए बैठते हैं हमारे जीवन में ऐसे ऐसे वैष्णव सामने आ जाते हैं जिन जिन्होंने हमारे प्रति मतलब ठीक से बर्ताव नहीं किया है चिल्लाया है डाटा है आ, ऐसे आ जाते तो हर समय ऐसे जब करते समय ऐसे विचार जब आ जाते हैं तो हमें आ, अंबरिश महाराज और दुर्वासा मुनि के इस घटना को याद करनी चाहिए समझ गया ना दुर्वासा मुनि अंबरिश महाराज के चरणों में अपराध करने का प्रयास किया मारने का प्रयास किया तु विष्णु का सुदर्शन चक्र नारायण का सुदर्शन चक्र ऑटोमेटिकली विष्णु के हाथ से निकलकर किसको मारने हेतु या किसको सबक सिखाने हेतु दुर्वासा मुनि को सबक सिखाने हेतु उनके पीछे लगे अम्बरीश महाराज सिर्फ हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करते रहे सुदर्शन चक्र आया और दुर्वासा मुनि के पीछे लगा और दुर्वासा मुनि कहा, कहा नहीं गए स्वर्ग को सारे इवन ब्रह्म ब्रह्मांड को पार करके चले गए ब्रह्मा जी के पास गए फिर शिवलोक चले गए शिव जी के पास उसके बाद वैकुंठ गए वहां पे भगवान ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता तुमने भक्तों के चरणों में घोर अपराध किया है उनको मारने का प्रयास किया है इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं कर सकता तुम जाओ उन्ही के चरणों में गिड़गिड़ा कर भीख मांगो तो दुर्वासा मुनि हाँ? फिर वापस इतने दूर से अम्बरीश महाराज के पास आते हैं उनके चरणों में साष्टांग दंड दंडवत प्रणाम करकर माफी मांगते हैं तब जाके सुदर्शन चक्र शांत होके चले जाते हैं तो ये घटना को हर हमेशा में याद करना चाहिए अभी कभी कभी कुछ भक्त लोग अपराध करने के लिए भी प्रेरित करते हैं समझ गए ना शांत बैठा हुआ व्यक्ति उसको भी अपराध करने के लिए प्रेरित करते हैं तो ये ध्यान में रखिए जब भी जब करते हैं तो जब ऐसा विचार आ जाता है किसी भक्तों के प्रति या कुछ अपराधनीय विचार आ जाता है तो हमें अम्बरीश महाराज का आश्रय लेना चाहिए या अम्बरीश महाराज के और दुर्वासा मुनि के इस घटना का स्मरण करते हुए भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए वैष्णव के श्री चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए तो इस तरह से यह तो तुम्हार हृदय सदा गोविंद विश्राम गोविंद कहे मोर वैष्णव पराण सोच तो गया ना तो यहाँ पे कहा जा रहा है हे वैष्णव तुम्हारे हृदय में भगवान गोविंद रहते हैं तुम्हारे हृदय में भगवान गोविंद रहते गोविंद रहते हैं सदा आपके हृदय में विश्राम करते हैं और गोविंद क्या कहते हैं मैं भक्तों के हृदय में रहता हूं साधवो हृदय मयम ये भगवान स्वयं कह रहे हैं मैं नहीं कह रहा हूं हा? भगवान स्वयं श्रीमद् भागवत तो में ऐसा लिखा है साधवो हृदय मयम साधो के हृदय में मैं रहता हूं साधुनाम हृदय त्व अहम हा? मैं साधुओं के हृदय में रहता हूं और मेरे हृदय में साधु रहते हैं मतलब भक्त रहते हैं आप समझ में आ रहा है हा? मेरे हृदय में साधु रहते हैं और साधुओं के हृदय में भक्तों के हृदय में मैं रहता हूं मद अन्य ते न जानाती ना हम त्य भी मनोगापी इसके अलावा मैं और कुछ नहीं जानता और भक्त भी मेरे अलावा और कुछ नहीं जानते यहाँ पे अपराध का सवाल ही नहीं उठता है इसके अलावा भगवान के अलावा भक्त तो कुछ जानते ही नहीं कहाँ का अपराध विपराध क्या है इसका स्मरण करना ही नहीं है तो इस तरह से यहाँ पे भगवान स्वयं दुर्वासा मुनि को कहते हैं इस तरह से तो इसलिए यहाँ पे देखो हम ये भी देख रहे हैं कि जो नरोत्तम दास ठाकुर ने लिखा है उसको भागवतम चैतन्य चरितमृत ये सब हम इसका दर्शन करते हुए इसको पढ़ रहे हैं तो यहाँ यहाँ इस तरह से लिखा है वो यहाँ पे वो दोहरा रहे हैं तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम गोविंद कहे मोर वैष्णव प्राण वैष्णव मेरे प्राण है कौन मूर्ख अपराध कर सकता है वैष्णव मेरे प्राण है ऐसे गोविंद स्वयं कह रहे हैं ठीक है ना अभी आखिरी पंक्ति ये है इस प्रार्थना का प्रति जन्म में करी आशा चरणर धूली हा? नारायण प्रभु बंगाली समझ रहे शायद <laughs> बंगाली है प्रति जन्मे करी आशा चरणेर धूली नरोत्तम नरोत्तम करो दया आपनार बोली नरोत्तम करो दया आपनार बोली क्या कह रहे हैं यहाँ पे नरोत्तम दास ठाकुर वैष्णव को कह रहे हैं ऐसा नहीं कि मेरा यह आखिरी जन्म समझ गया ना हमें ऐसा सोचना चाहिए कि आखिरी जन्म हमारा है ऐसा नहीं है कई जन्म लेने पड़ेंगे हम इतने शुद्ध भक्त नहीं है फिर भी यह हमें सिखा रहे नरोत्तम दास ठाकुर भले उनका आखिरी जन्म है फिर भी वो हमें कर ये बता रहे प्रति जन्मे करी आशा चरणेर धूली तुम्हारे चरणेर धूली समझ गया ना हर जन्म मैं एक ही आशा करता हूं प्रत्येक जन्म में मुझे आपके चरण के धूली प्राप्त हो यही मैं गिड़गिड़ाकर कर कह रहा हूं तो नरोत्तम करो दया मुझ पर दया करो यही आ, आपनार बोली यही मैं आपको कह रहा हूं हे वैष्णव इस तरह से ये बहुत सुंदर प्रार्थना वैष्णव के चरणों में आना चाहिए अब इसका सार क्या है कैसा है ये बहुत आप नोट कर लो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसका सार ये है एक तो सर्वप्रथम हमें वैष्णव का आश्रय लेना चाहिए सर्वप्रथम हमें वैष्णव का आश्रय लेना चाहिए गुरुजनों का आश्रय लेना चाहिए गुरु से दीक्षा लेनी चाहिए उनकी शरणागति की याचना करनी चाहिए उनके चरणों में हम शरण ले ऐसी याचना करनी चाहिए दूसरा ये है क्योंकि वे दयालु है इसलिए हम पर कृपा बरसाते हैं आज के इस प्रार्थना के अनुसार कृपा बरसाते हैं वो दयालु है वैष्णव दयालु है उनका शरण उनका शरण ग्रहण करे तो वो हम हमें निश्चित रूप से कृपा बरसाते बट बर कुछ दिनों के बाद कभी कभी हु? हम उनके चरणों में अपराध करने लगते हैं कुछ दिनों के बाद जब पुराने हो जाते हैं तो हम उनके चरणों में अपराध करने लगते हैं तो पता चलता है कि हमारा क्या नुकसान हो रहा है वो मूर्ख को पता नहीं चलता है क्योंकि वो रोज अभ्यास नहीं करता है कि मेरा नुकसान क्या हो रहा है चरणों में अपराध करने से नुकसान तो निश्चित रूप से होता है इसीलिए तुरंत उनके चरणों में गिर भीख मांगना चाहिए कि क्षमा करे अहंकार वश अगर हम नहीं भी जा सकते हैं क्षमा मांगने के लिए तो दूसरे भी रास्ते हैं जो यहाँ पे कहा गया है प्रति जन्मे करी आशा चरण धूली उनकी सेवा करो समझ गए ना उनके चरण के धूलि को प्राप्त करो उनके चरणामृत पियो उनका उच्चिष्ट अन्न महाप्रसाद खाओ। श्री चैतन्य चरितमृत में हा ऐसा कहा गया है भक्त पद धूलि भक्त पद जल भक्त पद धूलि मतलब भक्तों के वैष्णव के चरणों की धूलि भक्त पद जल वैष्णव का पाद प्रक्षालन करने के उपरांत जो जल होता है चरणामृत होता है ये दो चीजें कौन सा भक्त पद धूली भक्तों के चरणों का धूली भक्त पद जल चरणामृत आगे क्या कहा है भक्त भुक्त अवशेष भक्तों ने प्रसाद ग्रहण कर कर छोड़ा हुआ महाप्रसाद जो है ये तीन महाबल ये तीन महाबल है समझ तो गए अन्य कोई इतना बल नहीं जितना ये तीन महान बल है ये सारे अपराधों को नष्ट कर देता है उनके चरणों में अपराध किया हुआ जो है जिनके भी चरणों में अपराध किया हुआ है उन भक्तों के चरण की धूली या उनका चरणामृत या उनका उच्चिष्ट महाप्रसाद ग्रहण करने से निश्चित रूप से उनके चरणों में जो किया गया अपराध वो नष्ट हो जाता है ये ध्यान में रखिए तो ये एक्चुअली सार है प्रथम वैष्णव का आश्रय ग्रहण करना और उनसे कृपा की याचना करना और कभी कभी ऐसा हो जाता है तो उनके चरणों की धूलि प्राप्त करना ये जन्मे जन्मे श्री नरोत्तम दास ठाकुर के प्रति जन्मे प्रति जन्मे करी आश तुमार धूली चरणे रदू नरोत्तम करो दया आपनार बोली हे वैष्णव नरोत्तम दास पर दया करो मुझ पर दया करो यही एक मैं याचना करता हूं बहुत सुंदर प्रार्थना है वैष्णव के चरणों में तो आप इसे पढ़ सकते हैं ठीक है श्री नरोत्तम दास ठाकुर की जय जगद गुरु श्रील प्रभुपाद की जाए गौर प्रेमानंदे हरिनाम संकीर्तन की जाए